हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बितंकुर में। आईबीपीएस के दो नोटिफिकेशन देखने को मिल गए थे, एक आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन, दूसरा आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन। अब अगला नंबर है आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशन का, और इस साल आईबीपीएस आरआरबी और आईबीपीएस क्लर्क दोनों ही नोटिफिकेशन टाइम पर देखने को मिल गए थे। और इस साल जो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन थोड़े पहले कंडक्ट होना है। लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम 15 अक्टूबर से शुरू हुआ था, इस साल आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम 23 सितंबर से शुरू होना है। और लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशन से एग्जाम के बीच में अच्छा खासा गैप भी देखने को मिला था। पिछले साल आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन 1 अगस्त में आउट हो गया था, और इस साल के आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशन की बात करें तो आने वाले 2 या 3 दिनों में हम आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके बाद लगभग 20 दिन आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं, और इस साल आईबीपीएस क्या करने लगे कि फॉर्म भरने के लिए 1 हफ्ते डेट और एक्सटेंड करने लगे, तो 27 दिन मानकर चलिए। उसके बाद 10 या 15 दिनों बाद एडमिट कार्ड देखने को मिलता है, और उसके 10 से 15 दिन बाद आपका प्री एग्जाम शुरू हो जाता है। और इस साल आप देखोगे तो लास्ट ईयर की तरह बहुत ज्यादा गैप नहीं है, क्योंकि 23 सितंबर से आपके प्री एग्जाम शुरू होने हैं, इसलिए हायर चांसेस हैं कि अगले 2 या 3 दिनों में आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब आईबीपीएस पीओ के लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ के एग्जाम से पहले आप आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क प्री दे चुके होंगे, आईबीपीएस क्लर्क प्री दे चुके होंगे, आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस एग्जाम भी आप दे चुके होंगे, तो काफी हद तक आपकी प्री और मेंस की तैयारी आपके आईबीपीएस पीओ के पहले आपकी हो जाएगी। बस आपको जो मैनेजमेंट बिठाना है वो मॉक टेस्ट का। काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट देखने को मिलते हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट बेहतर है। देखो दोस्तों, जो भी मॉक टेस्ट आपके पास है वो बेहतर है। अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो सभी मॉक टेस्ट बढ़िया है, गाइडली, स्मार्ट कीड़ा, प्रैक्टिस मॉक, ऑल ए बोर्ड। अगर गाइडली और स्मार्ट कीड़ा में से कोई मॉक टेस्ट आपको लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोड आप PM10 यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन मॉक टेस्ट लगाना नहीं छोड़ना है, अभी एग्जाम्स की शुरुआत हुई है, बहुत सारे एग्जाम्स अभी आपको देखने को मिलेंगे। एक बार अच्छे से तैयारी हो गई ना, कंटिन्यू एग्जाम्स भी आपके क्लियर होते जाएंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आरआरबी के एग्जाम करीब है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें कि आरआरबी के मॉक टेस्ट में कितना स्कोर और परसेंटाइल आपका बन रहा है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।